तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और अभी हम लोग हैं अपने कॉलेज के टेक्नोलॉजी पार्क में, जो कि अभी नया नया यहां पे बन रहा है। और कल आने वाले हैं हम लोग कॉलेज में नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं, आप लोग जानते होंगे। और उन्हीं के लिए आज ये सारे अरेंजमेंट्स हो रहा है। और उनके आने से पहले आप लोग काफ़ी देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। हम लोगों को नहीं पता हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो उनको बता दें हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपाल में पढ़ते हैं, गोपाल पाया में है। और ये देखिए, यही है हमारा हॉस्टल जिसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। और आज है 15 जनवरी, और आज हमारे कॉलेज में आने वाले हैं नीतीश कुमार। तो सुबह के हो रहे हैं 8:30, और हम लोग तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गए हैं। समाधान यात्रा के तहत आ रहे हैं नीतीश कुमार आज हमारे कॉलेज में, जो कि है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिपाया गोपालगंज। और उन्हीं के सुरक्षा में ये सारा बैरिकेडिंग किया गया है। अभी से ही गाड़ी को आना रोक दिया गया, ये पब्लिक गाड़ी को। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज और दिखाएंगे कि आज क्या क्या होता है। ये देखिए, समाधान यात्रा के तहत आ रहे हैं नीतीश कुमार, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, सुरक्षा में कोई कमी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, वो महज एक रात में बनकर तैयार हुआ है। ये शो करता है कि हाँ, पावर पावर वहीं से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है। नीतीश कुमार के आने के लिए अरेंजमेंट, वेलकम का रंगोली। और उधर है पूरा कॉलेज, और ये देखिए हमारे हॉस्टल को सजाया जा रहा है हमारे एंट्री के लिए। और ये चारों तरफ माहौल भी बना हुआ है। और ये हमारे जूनियर्स नीतीश कुमार के सेफ्टी में चेकिंग हो रहा है कि कहीं बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं ना है। और एकदम सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा जा रहा है, क्योंकि आखिर आ भी तो रहे हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ओनली वन नीतीश कुमार। दिल की धड़कन से तो आए जाना। नीतीश कुमार हमारे कॉलेज में सारा अरेंजमेंट हो रहा है। अभी चारों तरफ साफ सफाई हो रहा है, और इधर प्रदर्शनी लगा हुआ है सामने में, तो वही लोग जा रहे हैं देख के आने। और देख सकते हैं साफ सफाई पे कितना काम किया जा रहा है, और चारों तरफ कारपेट लग रहा है हमारे नीतीश कुमार जी के लिए। और काफी अच्छा काम किए हैं, खास करके नीतीश कुमार हम लोगों के लिए इतना तगड़ा हॉस्टल बना के दिए हैं, जो कि यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं है। हॉल बना के रखे हैं, ये है माहौल। और उधर देखिए, लगातार पुलिस की गाड़ी आ रही है। और इधर हमारे सीनियर्स जूनियर्स बैचमेट्स, यस सर आइए, हाय कर दीजिए। उज्ज्वल सर दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना, बिस्तर धोरे तो क्या। नीतीश कुमार के स्वागत के लिए उधर हॉस्टल वन पे फर्स्ट ईयर की छात्राएं, सेकेंड ईयर पे सेकेंड हॉस्टल पे हमारे सेकेंड ईयर की छात्राएं, और थर्ड हॉस्टल पे हमारे थर्ड ईयर की छात्राएं हैं। और हम लोग 4 छात्र हैं, पास बनवा के अंदर घुसे हुए हैं। बेटी जो है नीतीश कुमार, हम आ चुके हैं हम लोग के बीच, और वो जा रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग में, और बहुत जल्द आएंगे हम लोग कॉलेज में। और उनके साथ गाइस फाइनली विज्ञान मंत्री मिस्टर सुनील कुमार सिंह अब हम लोग के बीच आ चुके हैं। इधर है सर, वेलकम सर, वेलकम जीपी को पाकर सर। तो गाइस फाइनली अब नीतीश कुमार मेरे कॉलेज से जा चुके हैं, और सौभाग्य हुआ कि हम मेरे फ्रेम में नीतीश कुमार आए हैं कैमरा में। और अभी उनका प्लान है बीटे कॉलेज में जाने का। तो बस ये देखिए, मेरा कॉलेज आज एकदम दुल्हन सजा हुआ है, और एकदम तगड़ा क्या माहौल, सिस्टम हैंग कर दिया है। Bye.
अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ ड्राइव करने वाले ड्राइवर सीट पे आपका भाई। और क्या करने वाले अभी भाई, देखो एक राउंड का 20 रुपया चार्ज करेंगे, पेमेंट करेगा तभी बैठेगा। एक राउंड का 20 रुपया, बस चाबी अभी नहीं आया, चाबी आता है तो फिर घुमाते हैं। उतार रहे हैं, ड्राइवर आके एक दो गाली सुना देगा तो अच्छा। सो गाइस अभी हम लोग प्रदर्शनी के लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और यहाँ पे मैम है, जानेंगे हम लोग। सर भी है, सर भी है। मैम ये किस टाइप की बुक है? किताबों से जुड़ा हुआ था जो कि बच्चों के साथ हम लोग खेलते हैं, बस यही खेल है जैसे सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं। अगर इस खेल में जीतेंगे तब? जीतेंगे तो बहुत अच्छा है। इनाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। सब सब के हो जाए आना, विस्तार द्वारे तो कैसे सोए जाना, विस्तार द्वारे। वेलकम टू द लाइब्रेरी गाइस। क्वेश्चन मिला हमको कि किस किताब के फ्रंट पेज पे धनुष का चित्र बना हुआ है, ढूंढते हैं। यही ना है, धनुष मिल गया, फ्रंट पेज था बिना किसी मेहनत के। तानसेन वाले पे है, लाइक यहीं रख ले। हमारा मिला है किस किताब के नाम में कर्तव्य शब्द है, जाते हैं इसको ढूंढ के लाते हैं, फिर आगे गेम कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी तो हमने ही जाना, तू गायना ला ला गायना, हा हा गायना, हा हा गायना, गायना। मिल गया, मिल गया। तो गाइस फाइनली दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है कि कौन कौन सा किताब का नाम किसी स्थान पर आधारित है, जाके ढूंढते क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स होंगे, देखते हैं फिर। इस गेम को यहीं पे खत्म करते हैं। तो गाइस ये है अपना हॉस्टल, आज एकदम खजा हुआ है, चलिए आपसे हॉस्टल टूर कराते हैं। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना, विस्तार द्वारे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बॉयज हॉस्टल 2 में जो कि हम लोग को अलॉट होने वाला है, और आप सभी को दिखाते हैं कि हाँ भाई क्या क्या हो गया है। ऑलमोस्ट फिनिश है, देखिए ये हमारा लिफ्ट कैरियर कहाँ हुआ है, दो अभी पता नहीं वर्किंग है या फिर नहीं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं डाइनिंग, जहाँ पे हम लोग रोज बैठ के खाना खाएंगे, काफ़ी अच्छा डाइनिंग एरिया है। और अभी यहाँ पे मिठाई उठाई खाया है लोग, तो गाइस चलते हैं आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, अभी थे ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे है डाइनिंग हॉल, और चलते हैं ऊपर देखते हैं। ऊपर में देखते अभी काम कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे ही अभी प्लास्टर यहाँ पे बाकी है। चलिए रूम्स देखते हैं कि हाँ रूम्स में कितना फैसिलिटी है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे रूम ये है, इलेक्ट्रिक रूम, इलेक्ट्रिक का ही कुछ सामान होगा। आते हैं किसी एक रूम में चलते हैं, जैसे रूम नंबर 14 है यहाँ पे, और देख सकते हैं वाह सिस्टम, क्या मस्त फैसिलिटी है, क्या मस्त बेड है। और सभी के पढ़ने के लिए एक रूम में 3 बेड है, और 3 अच्छे चेयर्स हैं, 3 टेबल्स हैं, और 1 कबर्ड्स है। एकदम बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना मिल सकता है उतना तो भाई प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी रूम्स है सारे कम्प्लीटेड है और सब में करीब सेम फैसिलिटी है, 3 बेड है सारे में और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए सेकेंड फ्लोर पे एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या सेकेंड फ्लोर पे क्या हो गया है और क्या बाकी है। लेकिन उधर में एक और अच्छा चीज़ जरिए आपको दिखाते हैं, वहाँ से आप आगे शाम में नज़ारा देख सकते हैं। और इधर ये है कॉमन रूम, ये है कॉमन रूम हम लोग का, जो हम लोग को मिलेगा कॉमन रूम। और ये है सिस्टम जहाँ पे आइए आप और नज़ारा देखिए। उधर मेरा दोस्त सब राहुल जा रहा है रूम पे और हम लोग बना रहे हैं ब्लॉग आप लोगों के लिए। ये विंडो से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है और यहाँ से इधर से चिल्लाएंगे और उधर से जूनियर्स, वो जूनियर्स का हॉस्टल है और ये है सेकेंड ईयर का हॉस्टल जिसमें अभी हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ का रूम देखते हैं कि हाँ यहाँ का रूम कैसा है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है सामने से, नज़ारा देखने के लिए उधर बनाया गया है और सारे जगह लगभग सेम तरीके से रूम बना है। उधर इलेक्ट्रिक रूम है और फिर इधर किसी रूम में चल के देखते हैं। और इधर भी इस सेकंड फ्लोर पे भी जितने भी रूम है उसमें भी 3 बेड्स हैं, 3 कबर्ड्स हैं और टेबल है और एक चेयर है सबके लिए पर्सनल। अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट हम लोगों के लिए, बस एक गद्दा दिलवा दीजिए सरकार। नीतीश कुमार से यही अपील है कि गद्दा दिलवा दीजिए हम लोगों को, ये तो कैरी करके लाना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। भी आ गए हम लोग थर्ड फ्लोर पे और सारे जगह का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। उधर आगे में भी रूम है, इधर पीछे में भी रूम है और इधर रूम में ये सारे रूम सिंगल रूम्स हैं और इसमें भी कुछ उसी तरीके से, इसमें भी एक बेड है, एक कबर्ड है और एक चेयर है। पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट रूम यही सब है, सिंगल रूम अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। आज के लिए हॉस्टल का बस इतना ही लुक आप सभी को दिखा सकते हैं, बाकी अलॉट होने के बाद तो भाई रोज दिखाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका मन करे तो फोर्स नहीं करेंगे। बाकी चलते हैं और क्या क्या होता है आज दिखाते हैं आप सभी को। तो गाइस फाइनली आज का फंक्शन हो गया है ख़त्म और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। ये है अपना हॉस्टल और ये हैं दोस्त लोग, इसके भी चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहिए आप लोग देखिए सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। तो गाइस फाइनली नीतीश कुमार अब जा चुके हैं और नीतीश कुमार के जाने के बाद ये वीराना सुना ये जहां अब जाऊं मैं कहां। हम लोग सुबह में आए हैं तो जितना पुलिस थे सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय। और आज है 15 फरवरी और आएगा दिन काफ़ी मेमोरेबल रहेगा हम लोगों के लिए, हम लोग सामने लाइव देखे हैं भाई नीतीश कुमार को 2 फीट का डिस्टेंस से और उतना काबिल बनना है ना भाई, तो भाई हम लोग के लिए भीड़ लगे, हम लोगों को भी लोग 2 फीट से देखें। ठीक है ख़त्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पे।